महाकवि जयशंकर वार्ड वार्ड नंबर 49 और ये महानारायण प्रताप पार्क जहाँ पे पार्षद श्री स्वदेश सिंह जी द्वारा तमाम राष्ट्रों ने जिन्होंने अपने को हिटलर मान के इसको भी जाने देंगे उसको भी जाने देंगे भारतीय पासपोर्ट की वो वैल्यू थी। आज वो जानते हैं भारत का पासपोर्ट जब मोहर लगती है तो प्रत्येक देश गौरव महसूस करता है कि एक भारतीय मेरा व्यवसाय करने आ रहा है और शिक्षा लेने आ रहा है। यह है सफलता का मूल्यांकन। भाइयों, मैं आपसे सिर्फ अंतिम बात यही कहूंगा, हम स्वतंत्र हैं, आज हम विचारधारा से भी स्वतंत्र हैं, लेकिन इसकी अलख को अपनी आगे आने वाली पीढ़ी में हमें ज्वलंत रूप से जलाए रखना है। निसंदेह आप बच्चे को लेवटों में पढ़ाइए, लाभा में पढ़ाइए, कॉलेज में पढ़ाइए, क्रिश्चियन में पढ़ाइए, सीएसएस में पढ़ाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तमाम भाषाओं का ज्ञान उसको कराइए, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, जर्मन, किसी भाषा का ज्ञान कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन साथ में भाइयों, अपनी विचारधारा का ज्ञान अपने बच्चों को जरूर कराइएगा। अब महाराणा प्रताप पार्क में कार्यक्रम चल रहा है जैसा कि, और अब ध्वज के सामने लोग फोटो खिंचवा रहे हैं एक एक करके, और इसके बाद महाराणा प्रताप पार्क से हम लोग अभी चलेंगे आगे सेक्टर के जो कि न्यू स्कूल के पास आयुषी हॉस्पिटल के अपोजिट पड़ेगा, वहां पहुंचते हैं और उसके बाद सेक्टर डी में जाना है, सेक्टर डी में ग्रीन पार्क। ये अब हम लोग सेक्टर के पहुंच चुके हैं। वंदे मातरम। भारत किस तरह का था, अपना देश कैसा था, कैसा लग रहा था? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, सब तरफ इतना चहल पहल जिसका ही था, बहुत ज्यादा अच्छा। सुनता क्या लगता है, हर स्कूल में मिठाई, हर स्कूल में सब लोग इतना, हर घर में त्योहार उत्सव, हर घर में त्योहार। हमारे पास पड़ोस के लोगों ने कहा कि ये 15 अगस्त भी हम त्योहार की तरीके से, स्पेशल वो चीज बननी चाहिए घर में, ये था। बाद में लोगों ने इसको एक अवकाश दिया, अरे धीरे धीरे वो बड़ा है, लेकिन झंडे लगाने पाबंदी लगा दो तो जेल चले जाओ, अब फिर बदल गया, इससे बड़ा, हाँ इससे बड़ा पर्व भी नहीं हो सकता। अब हम लोग पाशा जी के साथ सेक्टर डी के ग्रीन पार्क है जो वहाँ पर आ गए हैं, अलीगंज सेक्टर डी में ग्रीन पार्क, वहाँ पे कई सारे बच्चों ने प्रोग्राम प्रस्तुत किए। और चलिए अभी यहाँ सेक्टर डी से फिर हम लोग चलेंगे कामयानी पार्क, फिर वहाँ से महाराणा प्रताप पार्क दोबारा जाएंगे, वहाँ पे जो कर्मचारी हैं कर्मचारी द्वारा वंदे पार्षद जी करेंगे, उनका इंतजाम किया गया। चलिए अब बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए और
इसी के साथ अब ग्रीन पार्क से हम लोग पहुंच गए हैं कामयानी पार्क, सेक्टर के में कामयानी पार्क। अब यहां से हम लोग चलते हैं, अब आ गए हैं महाराणा पार्क सेक्टर क्यू में। फिर से अब ये टुब्बर वाली जगह पे पाशा जी ध्वजारोहण कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। और इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस जो इंडिपेंडेंस डे, वंदे मातरम, समापन, जय हिंद जय भारत, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।